हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, एसएससी सीपीओ के बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा, ये वो एग्ज़ाम है जिससे रिक्रूटमेंट होता है सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने पहले दो वीडियो बनाई है, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। पहली वीडियो है एसएससी ये वाली वीडियो, आप स्टडी फंडा पे जाके एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2017 गूगल मैप टाइप कर सकते हैं तो आपको ये वाली वीडियो दिख जाएगी। इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, क्या एज वगैरह क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और इसके अलावा ये दूसरी वीडियो बनाई है मैंने दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया है दोस्तों। ठीक है, और जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले इन दोनों वीडियोज़ को प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हैं, 20-20 मिनट की होंगी मुश्किल से, तो काफ़ी डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी दोस्तों। तैयारी करने की स्ट्रेटेजी से पहले हम ये देखेंगे कि हमें मार्क्स कितने स्क्योर करने हैं। ठीक है, तो ये 2016 की पेपर वन का कट ऑफ है, इसमें मेंशन किया है दोस्तों मैंने। मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अबाउट 90 मार्क्स उनको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 200 में से। OBC को 77, SC को 68 और ST को 67 के अराउंड। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को 30 नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोस्तों, इन्होंने 46,000 लोगों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, प्री में मतलब पेपर वन में क्वालिफाई करने के बाद। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ्स हैं, जनरल के लिए 83, OBC के लिए 69 और SC के लिए 60.25। ठीक है, तो आपको कट ऑफ्स का भी अंदाज़ा हो गया कि आपको अगर 100 के अराउंड अगर आप मार्क्स लाते तो आपका इजिली कट ऑफ क्लियर होने वाला है। ठीक है, और मेल और फीमेल में भी काफ़ी अंतर है, 5 नंबरों का कम से कम अंतर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और OBC में ज़्यादा का आ रहा है, तो आप ये सब देख लीजिएगा। इसका जो दोस्तों आपको PDF मिलेगा, जो ये वाला जो फाइल है, इसकी पूरी डिटेल में आगे मैं बता रहा हूँ जो जो चीज़ें, इसको आपका PDF, इसका आपको कमेंट्स में जब आप जाओगे तो कमेंट्स को प्लीज़ देख लीजिए एक बार। बार बार बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें PDF भेज दीजिए, PDF कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जब आप कमेंट्स में जाओगे, पहले मैं डिस्क्रिप्शन में डालता था लेकिन अब मैंने कमेंट्स में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है बच्चों को। तो जैसे ये देखिए, स्टडी फंडा की तरफ से कोई भी कमेंट और उसमें ये लिखा हो PDF लिंक, तो ये वाला लिंक उस फाइल का होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप आगे से। उसके बाद 2017 में जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है दोस्तों, वो सब इंस्पेक्टर CAPF में 1706 हो सकती है, CISF में 1106 और जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में है मेल कैंडिडेट्स ओनली वो 95 है। ठीक है, तो अराउंड 3000 इस बार वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद पे स्केल क्या होने वाला है दोस्तों, पे स्केल 9300 से लेके 34800 का आपका पे स्केल है और 4200 आपकी ग्रेड पे है, लेकिन ये सब 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन 7th पे कमीशन में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। तो अब इसमें टोटल सैलरी आपकी क्या बनेगी उसको देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पे ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर 7th पे कमीशन। ये दोस्तों 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, इसमें वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट इजिली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभी चलते हैं हम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर फॉर SSC CPO इन 130 डेज। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी दोस्तों हो सकता है कई लोगों के लिए कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने डिस्क्रिशन पे ही प्लीज़ आप तैयारी करें। ठीक है, और तैयारी शुरू करने से पहले आप वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको लगता है हाँ मैं ऐसे तैयारी कर सकता हूँ और ये बेनिफिशियल रहेगा तो ही आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। ठीक है, और स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाई गई है कि आप ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो हमारे दोस्तों 4 पार्ट है, रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश का। ठीक है, चारों 50-50 क्वेश्चन है दोस्तों, 200 क्वेश्चन 200 मार्क, यानी एक क्वेश्चन का एक नंबर। और दोस्तों पिछले साल की कट ऑफ जैसे जनरल के 90 मार्क्स के अराउंड थे, तो अगर आप 100 या 110 मार्क्स अगर लाते हो तो आपका इजिली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि तैयारी कैसे करना है आपको। ठीक है, और बुक्स कौन कौन सी फॉलो करना है। तो हम पहले day 1 से day 17 मतलब पहले 17 दिन जो होते हैं, पहले जो 17 दिन आप तैयारी कभी भी शुरू कीजिए, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तक भी नहीं आया, आज फरवरी 21 हो चुकी है। ठीक है, और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आने वाला है मार्च के 1st वीक तक आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम 4 महीने तो बहुत आराम से है। ठीक है, 4 महीने से का ज़्यादा का ही टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले 17 दिनों में आपको क्या करना है, रीजनिंग प्लस GK। ठीक है, अब देखते, रीजनिंग जो मैं हर बार बताता हूँ, RS अग्रवाल की
वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक उठा लीजिए, उससे बेहतर कोई बुक मार्केट में है नहीं, ठीक है, वो उठा लीजिए। उनमें से दोस्तों ये चैप्टर आपको एनालॉगी क्लासिफिकेशन सीरीज एंड कंप्लीशन ब्लड रिलेशंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट लॉजिकल वेन डायग्राम अल्फाबेट टेस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर डिसीजन मेकिंग और नॉन वर्बल से सीरीज एनालॉगी क्लासिफिकेशन मिरर इमेजेस वाटर इमेजेस एम्बेडेड फिगर कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न फिगर मैट्रिक्स पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ठीक है। अब ये चैप्टर आप कहोगे कि सर इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, तो उसका मैंने डिटेल से इसमें इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है उसको, तो आप उसको अच्छे से देख लेना है वो, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, पेपर एनालिसिस हर वीडियो हर क्वेश्चन का मैं इसलिए ही करता हूँ ताकि आपको पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब आप मान लो डायरेक्टली आप मान लो फिगर एम्बेडेड में चले जाते हो, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फिगर एम्बेडेड, तो आप एक बार पेपर को देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और इस ये वाला पेपर एनालिसिस है ये वाला, और इसके अलावा दो क्वेश्चन पेपर और यानी तीन क्वेश्चन पेपर मैंने इनका लिंक कमेंट में दिया है, तो आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर लीजिएगा इस वाले लिंक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका दोस्तों 17 दिन का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आप देखिए दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, देखिए फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर एनालॉजी का है, ठीक है, ये 1 से लेकर 94 पेजेस तक है पहला चैप्टर, ठीक है। तो बेवकूफ़ मत बनिएगा, क्योंकि एक ढंग से अगर तैयारी करोगे तो ही पॉसिबल हो पाएंगे सब चीज़ें, ठीक है। आप पहले दोस्तों छोटे चैप्टर निपटाने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपका मोरल डाउन नहीं होगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर फोल्डिंग है 321 से लेकर 327, यानी कि 5-6 पेज हैं, ये निपटा लीजिए, ठीक है। आपको करना कैसे है वो बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप एनालॉगी करते हो, ठीक है, अब इसमें 94 पेजेज है, पेज बाय पेज करोगे तो आपको एक महीने से पहले ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जस्ट पैटर्न समझिए कि किस तरह का पैटर्न एनालॉगी का आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कम से कम भी जैसे मान लो 20 एक्सरसाइजेज दी होंगी, ठीक है, तो आपको 20 एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज मान लो ए, उसका नाम ए एक्सरसाइज का नाम, कोई भी रैंडमली जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 के क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन तक रैंडमली कोई भी उठाइए, आपको लगता है ये मुश्किल है, आसान मत उठाना, क्योंकि आसान तो ऑब्वियसली बात आप कर ही दोगे, मुश्किल क्वेश्चनों को उठाना है उनको ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको ये सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स करने हैं 17 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और थोरोली पढ़िए दोस्तों, मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि 4 महीने में कोई एग्ज़ाम निकालना है, वो भी SSC लेवल का, इतना आसान काम नहीं होता है, अगर मेहनत करोगे तो इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। 17 दिन है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग के साथ साथ, अब जैसे सारा दिन आप रीजनिंग नहीं पढ़ पाओगे, तो मैंने इसके साथ साथ आपको GK का एक टॉपिक दिया है साइंस का, ठीक है, आपको ये कवर करना है 17 दिन के अंदर, ठीक है। वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 50 नंबर का आपका रीजनिंग यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 50 नंबर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला इन चैप्टर्स के अलावा। उसके बाद साइंस में आपको लूसेंट से पढ़ना होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव बुक्स, अब बच्चे कहते हैं अरिहंत के हमारे पास ये है वो है, कोई भी बुक लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक जैसे अब अरिहंत में आती है, अरिहंत में 130 रुपये की बुक भी आती है, 160 रुपये की भी आती है, और 150 के अराउंड की आती है, ठीक है। तो जो बड़े वाली बुक्स है वो लीजिए, लाइक 150 की जो बुक है, ठीक है, जो छोटी बुक है उनमें काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन जो लूसेंट के मुकाबले की बुक है अरिहंत की है, वो मनोहर पांडे के द्वारा लिखी गई है, तो 160 रुपीज़ के अराउंड की वो बुक है, वो ले लीजिए आप, ठीक है। वरना अगर आपने कोई भी बुक परचेज नहीं की है तो लूसेंट द बेस्ट है, और लूसेंट का लिंक आपको मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स का मतलब ये वाला लिंक, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा इस वीडियो के कमेंट में जाके, ठीक है। लूसेंट का PDF मेरे पास पड़ा है, मैंने उसे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस पार्ट को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है, और इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीन चीज़ें हैं दोस्तों, 150 पेज हैं इनके, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, इन सब के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, बायो पे भी ध्यान देना है, और 20 क्वेश्चन सीधा आपके यहाँ से निकलते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, और 17 दिन का आपके पास टाइम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको 17 दिन का टाइम दिया गया है, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये सारे चैप्टर इसके हो जाएँ और ये रिविज़न और ये जो साइंस वाला पार्ट है ये हो जाए, ठीक है, 17 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद आपको रिविज़न देना है 4 दिन, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 4 दिनों तक आपको रिविज़न करना है। क्या रिविज़न करना है, साइंस का रिविज़न करना है, ठीक है। रिविज़न करके मॉक दे सकते हो आप, मॉक कैसे देना है, जैसे ऑनलाइन अगर जैसे कोई भी साइंस मॉक टेस्ट कुछ भी ऐसा लिख के कुछ भी आपको मिल जाएंगे MCQs वगैरह, ठीक है, वो आप वहाँ से मॉक टेस्ट ले सकते हैं इसका, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आपको डे 22 से डे 31 10 दिन आपके पास है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मैथ और जीके उठाना है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि एक चीज़ पढ़ के सिंगल आप बोर हो जाओगे। लाइक अगर आप मैथ करते हो मान लो सारा दिन, तो मैथ ही करते रहोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें पॉलिटी भी डाल दिया है। तो 10 दिन आपके पास दोस्तों पॉलिटी आपको करना है, 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से निकलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फोकस करना है प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, कमेटी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, लाइक दैट, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है उनको, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई आर्टिकल पूछ लेंगे, गवर्नर के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है। गवर्नर का जैसे आर्टिकल पूछ लेंगे, कौन सा आर्टिकल गवर्नर से रिलेटेड है ऐसे करके, ठीक है, या आर्टिकल 370 किस चीज़ से रिलेटेड है, इस टाइप से, ठीक है। फोकस करना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, लाइक फंडामेंटल राइट हमारे जो भी हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ क्या क्या फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल रिलेटेड अबव ऑल मेंशन टॉपिक्स, जितने भी ऊपर मेंशन टॉपिक है ना, इन सबसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको पढ़ने हैं। खासकर पंचायती राज, पंचायती राज के क्वेश्चन हमेशा आता है एसएससी में, देखा गया काफ़ी बार, पंचायती राज कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 73 डिस्क्राइब पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद मैथ में दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ में आपको ये वाली बुक परचेज करनी है, ठीक है, एसएससी मैथमेटिक्स 7300+ क्वेश्चन बाय राकेश यादव, ओके। इसमें दोस्तों अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया है, तो आपको वहाँ से अच्छे करना है। अब आपके पास 10 दिन है दोस्तों, ठीक है, 10 दिन में आसानी से हो सकते हैं 4 चैप्टर, को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी आप पागलों की तरह नहीं लगना है, वही सेम फॉर्मूला रीजनिंग वाला है, कुछ क्वेश्चन पैटर्न सबका देखना है और दो दो चार चार क्वेश्चन सबके वो करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, दो से तीन क्वेश्चन इसमें निकलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में 2 से 3 निकलते हैं, परसेंटेज में 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, डिस्काउंट में 4 चैप्टर आपको करने हैं। उसके बाद 3 दिन का आपको रिविजन करना है, ठीक है, जो आपने 10 दिन में पढ़ा है उसको 3 दिन में रिवीजन करना है, डे 32 से 34 तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डे 35 से 45, 11 दिन आपके पास है दोस्तों। इसमें आपको ज्योग्राफी करना है, ठीक है, 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, और कंप्यूटर पढ़ना है, 5 से 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और मैथ करना है, ठीक है, 11 दिनों में। अब ये आपको लगेगा इतनी सारी चीज़ें होंगी, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, बताता हूँ कैसे। ज्योग्राफी के दोस्तों 80 पेजेज़ हैं और कंप्यूटर के 20 पेजेज़ है, ठीक है, तो 100 पेज टोटल हो गए, ठीक है। अब ज्योग्राफी में भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, उनमें से आपको फोकस ज़्यादा है किन पे रखना है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैलेक्सी वगैरह, ठीक है, उसके प्लैनेट्स उनके ये सब, ठीक है, रॉक्स, एटमॉस्फेयर, लैंडफॉर्म्स, इंडियन फिजियोग्राफी, रिवर, माउंटेन, नेशनल पार्क्स वगैरह, ठीक है। अब नेशनल पार्क को रटना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ का चैप्टर 5, 6 और 7, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, रेशन, प्रोपोर्शन, ठीक है, ये वाले चैप्टर करने, दो दो क्वेश्चन इनसे निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, 46, 47 और 48वां दिन, इसमें आपको रिविज़न करना है जो आपने 11 दिन में पढ़ा है। आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, मान लो आपको मैंने 11 दिन यहाँ पे दिए हैं और 3 दिन यहाँ पे दिए हैं, 14 दिन दिए हैं, ठीक है, तो आप हो सकता है आप 10 दिन में सिलेबस कवर कर दो और 4 दिन रिवीजन के कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है 12 दिन में कर रहे हो, 2 दिन में रिवीजन कर रहे हो। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 14 दिन के अंदर अंदर ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है रिविज़न के साथ, ठीक है ना, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों 49वें दिन से लेकर 68वें दिन तक 20 दिन इसमें बनते हैं दोस्तों, ये वाला मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। इसमें आपको मैथ और जीके करना है दोस्तों, ठीक है, जीके में हिस्ट्री पढ़ना है, 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, और जीके इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 5 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी है, आप अगर पढ़ोगे तो 200-250 करीबन 200 के अराउंड पेज बन जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ मॉडर्न इंडिया ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि हमें 200 में से 100 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमें 200 में से 200 नंबर नहीं लेने हैं। तो आप 15 से 20 पेजेज पढ़ना, फ्रीडम स्ट्रगल पे खास ध्यान देना, 3 से 4 क्वेश्चन सीधा फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 80 पेजेज़ हैं, ठीक है, उस पर बजट, GDP, GNP, नेशनल इनकम, 5-ईयर प्लान, गवर्नमेंट स्कीम, मनरेगा, लाइक दैट, इन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, 5 में से 2-3 क्वेश्चन तो बड़े आराम से निकल जाते हैं इनमें से, ठीक है। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 6 चैप्टर हैं दोस्तों ये करने हैं। टाइम एंड वर्क 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, पाइप वाले क्वेश्चन से चैप्टर से 1 क्वेश्चन बनता है, टाइम एंड वर्क एंड ट्रेन, टाइम जो डिस्टेंस ऑन ट्रेन है 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 3, पावर एंड डिसीज जो होती है उससे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद 3 दिन आपको रिवीजन करना है, 69वां, 70वां और 71वां दिन जो आपने इन 10-11 दिनों में जो पढ़ा है, ठीक है। और अब तक आपके 70-71 दिन पूरे हो चुके हैं स्टडी के, ठीक है। अब तक आपने क्या क्या किया है, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है 50 मार्क्स की, जीके आपके ऑलमोस्ट डन हो गई है 40 से 50 मार्क्स, हमने क्या क्या किया है इसमें देखिए दिखाता हूँ एक बार। हाँ जी, जीके में आपका साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट आपका सब हो गया है, ठीक है। करीबन करीबन आपके 40 से 45 मार्क्स तक यहाँ पे आपके हो गए कंप्लीट। मैथ के अब तक आपने 13 चैप्टर कर लिए हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी से चल रहे हो, ठीक है। तो डे 72 से 78 तक 7 दिन का दोस्तों आपके पास टाइम है, 7 दिन में आपको फुल रिवीजन करना है, ठीक है। अब तक जो आपने पढ़ा है 13 चैप्टर ये वाले और ऊपर का जो जो मटेरियल आपने पढ़ा है उन सबका रिवीजन करना है। 7 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो तैयारी करेंगे हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। 7 दिन का अच्छे से रिवीजन करके हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डे 79 से 93 तक 15 दिनों का टाइम है दोस्तों। अब हम मैथ और इंग्लिश को साइमल्टेनियसली चलेंगे लेके, क्योंकि हमारी जीके और जो रीजनिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैथ का देखते हैं हम क्या करना है। मैथ में दोस्तों ये वाले जो 15 दिन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इन्हीं 15 दिन में जो आप पढ़ोगे वहाँ से डायरेक्ट आपके कम से कम 20 क्वेश्चन निकलने वाले हैं, ठीक है। मैथ में जो आपने चैप्टर करने हैं वो है दोस्तों 14वां चैप्टर सिंप्लीफिकेशन एलजेब्रा, 18 चैप्टर एवरेज ट्रिग्नोमेट्री मेंशुरेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, एलजेब्रा में 2, एवरेज में 2, ट्रिग्नोमेट्री 3 से 4 और मेंशुरेशन में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी करीबन करीबन आपके 20 क्वेश्चन के अराउंड ऐसे निकलते हैं, ठीक है। इसमें आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद जो इसके अल्टरनेटिव आपको पढ़ना है साथ के साथ जो पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में आपके पास दोस्तों 2 ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1+ वॉल्यूम 2 पढ़ सकते हैं दोनों, या फिर आप ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं या फिर ये दोनों, ठीक है। अब देखना है फोकस किस चीज़ पे करना है, ठीक है। पहले हमें बेसिक करना है इंग्लिश का, जो कि हमारे टेंस, वर्ब, प्रपोजिशन, मॉडल, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, ये सब जो होता है, ठीक है। ये 5 नंबर का आता है फिल करना, फिलिंग इन नेम्स करो, उसमें पूछ लेंगे वर्ब भरो, इसमें प्रपोजिशन भरो, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पर तो वो आएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो आपको ये 15 दिन जो हैं ये वाले 15 दिन 79 से 93 डेज तक, इसमें आपको ये वाले सब टॉपिक क्लियर करने हैं। एरर फाइंडिंग करना है कि एरर जो एरर ढूंढते हैं वो वाला, और स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। इन सब के 15 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 15 दिन में करना है आपको, ठीक है। डे 94 से 98 तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला मैथ का और इंग्लिश का भी, तो आपको 5 दिन का आपका प्रैक्टिस टाइम दिया गया है, 5 दिन, ठीक है। और थोरोली आपको पढ़ना है, इंग्लिश में भी आपको थोरोली पढ़ना है, जो आपने ये 3 टॉपिक कवर करने हैं, टेंस, एरर फाइंडिंग और स्पेलिंग मिस्टेक। मॉक आप दे सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद डे 99 से 110, ठीक है, 12 दिन पूरे हैं आपके पास, ठीक है। मैथ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैथ इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर कोई एक दो बच भी गया होगा तो वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन वहाँ से बहुत कम आने के चांसेस है, ठीक है। मैथ आपका कंप्लीट हो गया, पूरा टाइम हम इंग्लिश के ऊपर देंगे, ठीक है, फुल 12 डेज। तो इंग्लिश में आपका पैसेज है वो 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, सिनोनिम एंटोनियम 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपके, ये वाला टॉपिक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनियम, 12 दिन का टाइम है दोस्तों, बड़े प्यार से हो जाएंगे, प्रैक्टिस करना, थोड़ी मेहनत करना। उसके बाद 111 से 113वां दिन, 3 दिन के दोस्तों आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए दिया है मैंने, ठीक है। तीनों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है, कुछ भी कीजिए लेकिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद 5 फुल डेज 114 से 118 दिन तक आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक करने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक और इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने हमारे इंग्लिश में क्या क्या हो गया, 10 क्वेश्चन ये हो गए, 5 ये 5 ये, 25 का यहाँ पे हो गया और 10 का अपना यहाँ पे हो गया, ठीक है, इडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है, और इधर से 15 क्वेश्चन हमारे इधर से हो गए हैं, ठीक है। तो अराउंड 50 के अराउंड हो गए हैं, ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन इनके अंदर से ही बन जाता है और भी। तो डे 119 और 120, 119 और 120वां दिन आपको 2 दिन प्रैक्टिस करना है इंग्लिश का, जो सिर्फ आपने ये पढ़ा है, ठीक है। तो अब 120 दिन आपके पूरे हो चुके हैं, 120 दिन में आपने जितनी तैयारी करनी है सब कर ली है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 121 से 130 दिन, यानी 10 दिन जो ये हैं, ठीक है,
इसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी इसका बाजार से किरण पब्लिकेशन का या कोई भी पेपर उठाइए, मॉक टेस्ट बुक उठाइए, एसएससी सीपीओ के नाम से मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हो जाएंगे उस टाइम तक, और आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 130 डेज यानी कि 4 महीने और 10 दिन के अंदर अंदर आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी से आपके एटलीस्ट 120 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, बड़े प्यार से आपके 120 मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी होगी, ठीक है। और लुसेंट का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक और एक दो और इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह हैं, जो उनका लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा दोस्तों मैं। जैसे ये वाला लिंक है ना, आपको ऐसा लिंक मिलेगा, आप कमेंट्स में ढूंढ लीजिए प्लीज़, ठीक है। ढूंढ लेना जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। और वो गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ से जाकर उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले ये दो वाली दो वीडियो, एक तो ये SSC CPSI पेपर एनालिसिस एंड पैटर्न, और दूसरी वीडियो है SSC CPO एग्जाम 2017, इसके नाम से आप ये दोनों वीडियो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सजेशन है, कोई क्यूरी है, आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये वाली वीडियो है, ठीक है, ये सब आप देख लेना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और ये बेल का जो निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके सेव करना है, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन हमारी तरफ से मिल सके ऐसे, ठीक है। और प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी है, पूछ लीजिए आप कुछ भी, ठीक है। और इसका पूरा पीडीएफ जो ये वाला है, ये आपको कमेंट बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।